पहले आप टाइम देख लो कितना हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले जाएंगे गाड़ी में तेल डलाएंगे, इस वजह से जल्दी उठे हैं सुबह, गाड़ी में तेल नहीं ना। और कल से स्टार्ट हुआ है पेपर, यानी आज दूसरा दिन है। और जब पेपर होता है तो आपको पता ही होगा जल्दी छुट्टी हो जाती है, यहाँ भी है। अभी 7 बजे जाएगी तो 9:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, कल लेकिन 11:30 बजे होती, आज 9:30 बजे। और कल मैंने व्लॉग थोड़ा सा शूट किया था और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया व्लॉग, इस वजह से सिर्फ खाली स्कूल गया लेके आया और कहीं जाना हुआ ही नहीं। मैं अपना कल रूम पेंट किया हूँ दोपहर में, जो कैसा मेरा रूम है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग हो गया अभी, चलो भैया इस तरफ, वो सामने पेट्रोल पंप, ये आ गया भैया, इस तरफ तेल भर रहा है गाड़ी में, वो मशीन चल रही है, भर के पेट्रोल चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट रूम पर। 3 पॉइंट तेल हुआ है। ये सामने काफी खूबसूरत सी मस्जिद, अब इंतजार करते हैं फिर खड़े होके, जब फोन आएगा तब जाएंगे। पूरे 10 मिनट के बाद फोन आया है, 7:14 हो रहा, फिर 2 घंटे बाद फिर वापसी आना पड़ेगा। गाइस छोड़ दिया, अब यार रूम पर वापसी, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटे के बाद फिर आएंगे। 7:30 तो बच ही गया, 9:30 बजे छुट्टी होगी, 2 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आ जाएंगे। इतना टाइम है कि एक्सरसाइज करके नाश्ता भी कर सकते, लेकिन नाश्ता स्कूल छोड़ने के बाद करेंगे। ओ भाई सूरज निकल आया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस मैं गया था वॉक पर, मोबाइल को चार्ज लगा के गया था, नहीं लेके गया था, तो जस्ट नहा धो के रेडी, मैंने टी शर्ट नहीं बदला, मैंने कल शाम ही को चेंज किया था, इस वजह से हमने कहा एक दिन और पहन लेते तब चेंज करते हैं। अबे साले चलते हैं स्कूल, बच्चों को लेके आते हैं, छुट्टी होने वाली है, कॉफी पीते पीते, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। शाबाश बेटा, आज मैंने एक बहुत दिनों के बाद वर्कआउट थोड़ा सा किया है, जो गलवे के नीचे चर्बी होती है ना ये बढ़ जाती है, खराब लगता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या मौसम है, धूप भी आ गई अपने टाइम पे, ये गाड़ी है चलते हैं। अब ये कॉफी और ये सामने स्कूल बस, अभी तक नाश्ता नहीं किया, सिर्फ खाली ये पहली ब्लैक कॉफी है बस। ये बस जा रही मक्का, अभी मक्का बस में पैसे लगने लगे हैं, ज्यादा नहीं 3 रियाल, कोई महंगा नहीं है। बस यहीं से यू टर्न ले लेते हैं, ये GMC गाड़ी, गाड़ी को सियारे बोलते हैं यहाँ पे, कार नहीं बोलते ना, गाड़ी बोलते हैं। ओ भाई अभी छुट्टी नहीं हुई यहाँ, अगर छुट्टी हुई तो पूरा भरा होता, ये जाम होता। यहीं पे बैठ के वेट करते हैं अब। मदरसे छुट्टी हुई लेके आया, जस्ट अभी चला आया नाश्ता लेने के लिए, भाई मैंने लिया पराठा, रूम पे चलेंगे फिर से एक बार ब्लैक कॉफी बनाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। उस तरफ दुकान है, गाड़ी कितनी दूर पे पार्किंग मिली है, ये क्या ड्यूटी आती है, कहाँ जाना होता है, देखते हैं अब आगे। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनाए, और आजकल डेली व्लॉग नहीं आ पा रहा उसके लिए सॉरी। ये रूम भी आ गया, पूरा साफ सफाई हो गई है, कल जो है बैनर भी लगा दिया कि किराए पे रूम खाली, जिसको कन्फर्म करना है। मैंने पूछा है कितना किराया है पता है, 1 साल का 20,000 रियाल, 6 महीने भी यहाँ पर पैसे देते हैं मकान का। कल मैंने अपना पूरा रूम पेंट कर दिया, लीक दीवार भी पूरी मैंने पेंट कर दिया, पूरी नहीं है आधी किया है, अगर आज कल में टाइम मिलेगा थोड़ा सा पेंट बचा है, ये पड़ा पूरा एक बाल्टी पेंट था। ओ भाई आने वाला पराठा, और साथ में ये क्या है पता है, ये वाला आइसक्रीम वाला चॉकलेट, और साथ में ब्लैक कॉफी, ये मैं प्लास्टिक वाले पी रहा हूँ, हालांकि इसमें नुकसान करता, कब जो है गाड़ी में भूल गया हूँ मैं। चलो गाइस, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अल राया मॉल, वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं कुछ ऑफर लगे हैं, जैसे कि मशीन मुझे भी लेना है और मेरे साथ में इमरान को भी लेना है, और ये है लखनऊ बाराबंकी से, इनको भी कई दिन से बोल रही मिक्सर लेना, हमका चलो आज दिला देते, अभी डिस्काउंट है, सीधा चलना लास्ट में यमीन यानी राइट, इसकी छत भी खुलती ऊपर से, ये देखो। देखो यही सऊदी पोस्ट है, यहाँ से भी सामान बेच सकते हो घर पे, यही में लुलू मॉल खुले वाला है, देखो ये गाइस लुलू मॉल बन रहा है इसमें, ये रोड सीधा मस्जिद आयशा जाती है, और ये राइट पे है अल राया मॉल, यहीं से ये मिल लेना आगे से, यही है, और यहीं पे पार्किंग लगाओ जल्दी से, आराम से आराम, तुम तो टार्जन बना दिए गाड़ी को। अबे साले चलो गाइस चलते अंदर, देखते हैं क्या खास, चलो अंदर, एटीएम भी लगा, जो लेने आए थे वो नहीं मिला। और
लिए जो है चावल ढूंढ रहे हैं। हमने हम इनसे कह रहे ये वाला चावल ले लो, पहले में ले गया था जबरदस्त, अभी इसमें डिस्काउंट है। हाँ इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। गाइस चलते हैं अब, जो चीज के लिए आए वही नहीं मिला। हाँ अबे साले भाई क्या बिल्डिंग है, आगे एक दुकान है केरला की। गाइस ये आ गए हैं अभी केरला वाले दुकान में, यहाँ पर ज्यादातर इंडिया का प्रोडक्ट मिलता है। अंदर थोड़ा चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे इंडियन सामान मिलता है। ये है और कोई भी सामान लो ऐसा सुनो यानी 11.5 रियाल का। ये देखो घर ले जाने के लिए देख लो, इसमें सारी टॉफी है, अगर घर भेजना चाहते हो यहाँ से। ये पार्ले बिस्किट ये देखो 11.50 रियाल। खाने पीने की चीज ज्यादा है, मुझे एक बार दोस्त लेके आया था यहाँ पे। तलपट्टी देखो इंडिया की, हाँ इंडिया की मूंगफली वाली गुड़ वाली तलपट्टी इंडिया वाला क्रिकजेक। तरफ गाइस बहुत सारी चॉकलेट और ये ड्राई फ्रूट लगे हैं नीचे। यहाँ से भी निकलते हैं, जैसे घर सामान ले जाने के लिए भी सामान है, कॉफी है, चॉकलेट वॉकलेट भी है, ड्राई फ्रूट भी है। खोलो भाई, हो गया देखो दुकान बंद होने लगी, पर्दा गिरने लगा। ये देखो तो इधर से सीधा जाएंगे तो मस्जिद हरम भी रास्ता है, मस्जिद ऐसा भी, यहीं से राइट ले लो। इधर ही पड़ी है ना, यहीं से राइट लो, ये मस्जिद के बगल से राइट ले लो, ये रास्ता मेट्रो की तरफ जाता है, ये पूरा मेट्रो स्टेशन है सामने। पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, अगर सीधा जाते तो काफी लंबा जाना पड़ता है यू टर्न लेने के लिए। ओ गाइस गाइस मगरिब की अजान होने लगी, शाम हो गई, अब जाग निकला। आज मैं मूवी देख रहा था टाइगर 3, इस वजह से कहीं जाना हुआ नहीं। शाम को फोन आया कि कपड़ा प्रेस करा के ले आके दे दो। ये है मकसला और कपड़ा प्रेस करा लिया, गाड़ी में रख दिया। ये देखो तुरंत मांगी आज, बोली कि मगरिब बाद जाना ड्यूटी पे कफिल को। काफ़ी अच्छा मौसम है माशाल्लाह, खूबसूरत सा व्यू आ रहा एकदम। बारिश हो जाएगी तो मेरा रूम पूरा ख़राब हो जाएगा और मैंने सीमेंट आज नहीं लगाया, कल लगाएंगे। चलते हैं रूम पर, अब देखते हैं कहाँ जाना होता है। भाई गाड़ी खड़ी किया भी नहीं, फ़ोन आ गया ड्यूटी के लिए, इसीलिए बोली थी कपड़ा जो है मगरिब से पहले ला के दे देना, मुझे पता था। झूठ बोल रहा है। तो गाइस पहले ये बाहर देखो आप लोग, यार मेरा शीशा खराब है। ये व्लॉग मैं पूरे आधे घंटे के बाद शूट कर रहा हूँ, मैं आया हूँ सराय मैडम को लेके, उसका घर है यहाँ पर, यानी ससुराल जैसे हम लोग बोलते हैं। पूरे आधे घंटे के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ऐसे तो रास्ता 20 मिनट का है, लेकिन थोड़ा मैडम जब बैठी रहती, बच्चे बैठे रहते तो स्लो आता हूँ, उससे खुद ही बोलते कि धीमे चलो आराम से चलो, अकेले हो तो बेफिक्र अभी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे भगा के। जस्ट अभी मैडम उतर के गई, अभी हम सराय में हैं, एक दोस्त से मिलना था लेकिन वो ड्यूटी पर है। अब चलते हैं सीधा चार मीनार होटल, देख रहे ये नंबर से चलता है पूरा, एक नंबर से लेके 12 नंबर तक है, और अभी हम मौजूद है 7 नंबर सराय में। जो यहाँ रहते उनको पता होगी कि 7 नंबर कहाँ पास है, कि ये मक्के के हदूद के अंदर ही पड़ता है, मक्का सिटी के अंदर ही है। रात का समय अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सामने जिम कॉफी शॉप, सीधा चलते हैं अब डायरेक्ट चार मीनार होटल। फाइनली आ गया चार मीनार होटल, थोड़ा देर बचा है 5 मिनट नमाज का समय, ऐसा कि नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। एक छोटा चाय दे दो भाई। इस तरफ चिकन कढ़ाई, इस तरफ देखो मिर्चे वाले पकौड़े, वो सामने मीठे में बालूशाही पकौड़ी खत्म हो गई। शाम को मिलता है ये सब गरम गरम, खाएंगे एक बालूशाही 2 रियाल का, सही 2 रियाल यानी 45 रुपए की बालू सही पड़ी। बाप रे बाप, बड़ा महंगाई है यहाँ भी। यहाँ सबसे सस्ता चाय है इसी होटल को, लेकिन हर चीज महंगा। चिकन जो मैंने आपको दिखाया था वो 16 रियाल का है, कढ़ाई की हैदराबादी बिरयानी मिलती है यहाँ पर, मैंने सिर्फ एक ही बार ट्राई किया था। ऐसा की अजान हो रही है, पर्दा गिर गया, अब ये नमाज बाद खुलेगा। इस निकलते अब यहाँ से चलते हैं गाड़ी सामने। हाँ भाई गाड़ी को बाइक करते दोनों तरफ देखते हुए लाइट पहले चालू कर लेते हैं। और ये रोड सीधा जो देख रहे हैं ना मस्जिद अल हराम तरफ जाती है रोड, पीछे जो जा रही इस तरफ वाली हवाली जाती है हवाली। तो ऐसा कि नमाज के समय हो गया था, आया था मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, ये मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए, अंदर से ऐसी है। अब चलेंगे डायरेक्ट रूम पर, फाइनली गाइस रूम पर आ गया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, प्लीज व्लॉग को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।